लॉ स्टूडेंट, आज हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ने बायकॉट की है अपनी क्लासेस। हमारा मुद्दा यह है कि रूसा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के ए प्लस ग्रेड होने के बाद 100 करोड़ रुपए का जो फंड दिया था, 85 करोड़ रुपए का फंड जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का 31 मार्च तक लैक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यूज नहीं किया और अब उनको वापिस करेंगे। हमें कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको ए प्लस का ग्रेड हो, वो अपने पीजी के स्टूडेंट और नेट जीआरएफ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। हमारे यहाँ पे हमारे बीच कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके पास नेट भी है और जीआरएफ भी है, पर जम्मू यूनिवर्सिटी की डेलिबरेटली गलती के कारण उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। और हमारे से ए प्लस ग्रेड होने के बाद 1000 रुपया वाईफाई का चार्ज किया जाता है, जो कि गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि जो यूनिवर्सिटी ए प्लस है वो अपने बच्चों से वाईफाई का चार्ज नहीं ले सकती। और आपके समक्ष एक बात और रखना चाहता हूँ कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक हॉस्टल बनाया गया था जम्मू यूनिवर्सिटी, 2 साल से तैयार पड़ा है, लेकिन ठेकेदार के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी की किसी जो आपसी मतभेद के कारण पूरा हॉस्टल जो तैयार है वो बच्चों को अलॉट नहीं किया जा रहा। 2 साल से बच्चे, खासतौर पर हमारी बहनें, लड़कियां दर बदर हो रही है। बीसी साहब से जब ये बात करने जाओ तो वो हमेशा टाल मटोल करते हैं। ये गुस्सा स्टूडेंट्स का आज उभर के बाहर आया है और तब तक क्लासेस बायकॉट की जाएंगी जब तक हमारे मसले हल नहीं किए जाएंगे। फैसिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल नहीं है, उसके लिए बहुत बात बोलते हैं। सबसे पहली फैसिलिटी हम वाईफाई की बोलते हैं कि यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत दी जाते हैं। ये लोग हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फी सबमिशन भी करवाई है, लेकिन वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, तो उसकी प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हॉस्टल्स को लेकर प्रॉब्लम है गर्ल्स को। अभी तो गर्ल्स सामने नहीं आती क्योंकि उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम बोलेंगे। किस बात का डर मैम? जनरली बच्चे डरते हैं कि पता नहीं, डर लगता है शायद उनको, लेकिन फिर भी हम बहुत प्यार तरीके से बोलते हैं उनको कि हमें ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएं। लाजवाल उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताजा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।